टू माय चैनल इस इंडिया गर्ल चलित श्रेया और मैं हूँ श्रेया। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत अच्छे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आप सभी को पता चल भी गया है बारिशों का मौसम आ गया है। ये मौसम हमारे जितना फेवरेट है उतना ही हमारी हेयर के लिए और स्किन के लिए प्रॉब्लम लेकर आता है। इन मौसम में सबसे ज्यादा सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हमारे हेयर में। हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ होता है, स्कैल्फ इचिंग होता है और चिपचिपे हेयर, ये सभी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हेयर फॉल, जो हमारे सभी के लिए टेंशन हो जाता है। बारिशों के मौसम में हर जगह चिपचिपे होती है, इसी के कारण हमारे हेयर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप अभी बारिशों के मौसम में कभी भी हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर यूज ना करें, क्योंकि ये समय हमारी बालों को डैमेज कर देती है और हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। चिपचिपे मौसम के लिए हमारी हेयर भी चिपचिपे दिखने लगती है और बहुत ज्यादा खराब दिखने लगता है, जैसे हमारे हेयर में कुछ जान ही नहीं बचा। इसलिए हमारे हेयर को एक दिन में या दो दिन में हर्बल वाला शैम्पू से धोना चाहिए। इस समय केमिकल वाला शैम्पू ना यूज करो और ध्यान रखें कि शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना ना भूलें, क्योंकि कंडीशनर करने से हमारी हेयर मुझे उलझता नहीं, इसीलिए हमारे हेयर फॉल का चांस भी कम हो जाता है। इसीलिए आपको शैम्पू यूज करने के बाद कंडीशनर यूज करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। इसीलिए शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना जरूरी है ताकि हमारे बालों में मॉइस्चराइजर रहे। मैं आपको एक हेयर मास्क बताऊंगी जो आप यूज करेंगे तो आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा। इस हेयर मास्क के लिए हमें चाहिए बादाम का तेल और एक अंडा। आपके हेयर के लेंथ हिसाब से आप तेल लीजिए, उसमें अंडा फोड़िए, उसको फेंटिए, फिर हल्के हाथों से जेंटली मसाज कीजिए और इस हेयर मास्क को आप लगाने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद हर्बल शैम्पू से अपने हेयर को अच्छे से धो लीजिए। इस हेयर मास्क को यूज करने से आपका हेयर बहुत ही अच्छे दिखने लगेंगे, इसके साथ ही आपका हेयर सॉफ्ट भी हो जाएंगे और हेयर फॉल भी नहीं होगा, हेयर फॉल भी कम हो जाएंगे। और इस मौसम में आप कोशिश करें हफ्ते में एक बार दही अपनी स्कैल्प में मसाज कीजिए, हेयर में लगाइए, और बहुत ज्यादा आपकी स्कैल्प में बहुत ज्यादा इचिंग होता है तो एलोवेरा जेल लगाइए, और एलोवेरा जेल आप रात को लगा के भी सो सकते हैं। आप ज्यादातर कोशिश कीजिए इस बारिशों के पानी में आप अपने हेयर को गीला होने मत दीजिए, क्योंकि ये बारिशों के पानी में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है जो आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, स्कैल्प के लिए जो ठीक नहीं है, उसके वजह से आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। और इस समय हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखें और एक पानी का बोतल रखें, क्योंकि इस समय पानी कम पीने से आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है जो आप भी नहीं चाहेंगे, तो इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। आज का मौसम टिप्स आप सभी को अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप मैं जितना जानती थी आप सभी के साथ शेयर किया, और कुछ आप लोगों को बताना है, मुझको कुछ बताना है, कुछ सलूशन देना है तो प्लीज मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस समय खुश रहिए, खुश रखिए, रेनी सीजन को एंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब सभी फ्रेंड को हैप्पी मॉनसून डे, और इस समय आप सभी लोग पकौड़ा खाइए, चाय पीजिए, भुट्टा खाइए और फुल टू एंजॉय कीजिए रेनी सीजन को जैसे मैं करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।